मेरा थीम एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस वो चाहत है ट्रैवल और प्लेसेस जाने की, और सारे अलग अलग कल्चर्स को एक साथ कलरफुल पैलेट पे डाल के मज़े करना, और कुछ नहीं। सर, इसलिए आपने ये कलरफुल आउटफिट प्रेजेंट किया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, जब लोग मुझे पूछते हैं किस किस्म के यू नो व्हाट काइंड ऑफ गर्ल यू आर, तो मैं कहती हूँ कि बहुत कलरफुल हूँ। सो केन मेरे दोस्त हैं और हम काफ़ी पहले से काम कर चुके हैं, सो ही न्यू दैट यू नो मे बी आई वुड कलर दिस, कैरी दिस आउटफिट रियली वेल। सो देयर आई एम वेयरिंग अ कॉर्सेट, लवली स्लीव्स जो मैं बहुत अच्छे से फ्लॉन्ट किया, एंड दिस केप एंड दिस लवली पेयर ऑफ ट्राउजर्स विच मेक्स मी फील वेरी कंफर्टेबल, हाई वेस्ट एंड बहुत सारे कलर्स है, इट मेक्स मी फील दैट यू नो इट गिव्स मी जिप्सी फील, वेरी बोहो फील। शायद पहली बार मैंने ये बोहो वाइब आउटफिट मैंने पहना हो, या इफ़ यू सी माई मेकअप ऑल्सो इट्स लिटिल बिट यू नो ऑन द ब्लूज ऑफ माई मस्कारा एंड जस्ट द इयर रिंग्स, कीपिंग इट मिनिमम एट द सेम टाइम लाइक यू नो क्रंच्ड है। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस शो वॉज इट वॉज स्मूथ, काफ़ी स्मूथ था, एंड जिस तरह से द हार्ड वर्क दैट गोज बिहाइंड द बैक स्टेज, आई मीन इट्स इम्पेकेबल, क्योंकि हम सिर्फ कैमरा के सामने होते हैं लेकिन आज बैक स्टेज पे मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, नाउ आई रियलाइज अमेजिंग कैन, ऑल द वेरी बेस्ट एंड इट वॉज फैंटास्टिक वॉकिंग फॉर कैन। मुझे सिर्फ एक ही ब्रीफिंग मिला था कि कैन के आँखों में देखो और मज़े करो, बिकॉज थीम भी ऐसा था कलरफुल, फन, ट्रैवल, म्यूजिक भी ऐसा था कि इट जस्ट मेक्स यू फील कि आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हो, सो इट वॉज़ वेरी चिल, वेरी रिलैक्स, वेरी शीक, वेरी क्या कहते हैं फन, इट वॉज़ फन। कम्फर्टेबल, जो भी कम्फर्टेबल है, कलरफुल है, क्योंकि मुझे अलग अलग रंग पहनना पसंद है, वाइब्रेंट कलर्स पहनना पसंद है, आई थिंक इट ऑल्सो डिफाइंस यू एज अ पर्सन। कुछ कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ प्रेफर करते हैं कि ब्लैक या वाइट पहने, लेकिन आई एम द पर्सन जो मुझे आई फील लाइक येलो टुडे और आई फील लाइक पिंक टुडे, और देर आर डेज वेर आई फील लाइक मल्टी कलर, लाइक ऑल द कलर्स लाइक आई एम फीलिंग टुडे राइट नाउ। सो या मेरी जो आउटफिट मैंने मृणाल के डिज़ाइन किया है, ये समझ के कि शी हैज़ गॉट टू बी वेरी कम्फर्टेबल, येट अ शो स्टॉपर, येट वेरी ग्लैमरस एंड येट मेकिंग अ स्टेटमेंट। तो इट इज़ एक्चुअली अ वेरी सिंपल कॉर्सेट विद अ एक्सटेंडेड स्लीव, पैंट्स है जिसके साथ एक केप है, वो केप हटा देगा तो सिर्फ पैंट है। तो इट्स अ कन्वर्टेबल आउटफिट जहाँ आप इवनिंग रेड कार्पेट के लिए पहन सकते हो, या आपको डिनर के लिए जाना है तो आप डिनर के लिए पहन सकते हो, यू कैन मॉडिफाई दिस आउटफिट। माई इंस्पिरेशन इज ऑल अबाउट ट्रैवल, इट इज़ कॉल्ड फर्नवे विच इज़ अ जर्मन वर्ड विच मीन्स वॉन्ट टू ट्रैवल, and it is a mixture of all tribes and multicultural artistic views. The concept is about a flea market, jaise aap flea market mein jate ho, alag 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 cheezon, alag alag places ke alag alag cheeze saath mein put karte, waisa hi hai, different cultures, different tribes put together makes it a very colorful collection. And I think a person who wears colorful things is considered to be a happy person also, like dekh ke hi aapko pata chalta ki oh, a happy person, a happy soul has entered the room. आपको एक बात बताओ, जब सुपर 30 रिलीज होने वाला था उस वक्त भी जो कैप्शन था वो था कि तूफान आने वाला है, तो जी हाँ तूफान आने वाला है, आई स्टार्टेड शूटिंग फॉर तूफान, आज बकायदा मेरा डे टू था, आई हैव जस्ट फिनिश्ड द शूट एंड आई एम हियर एंड इट्स वंडरफुल टू बी वर्किंग विद राकेश सर एंड फरहान, फैंटास्टिक वाइब एंड आई एम ब्लेस्ड। इट्स ऑल हियर, इट्स ऑल मैनिफेस्टेशन, क्योंकि जब तक आप खुद सपना नहीं देखोगे तब तक वो पूरा नहीं होगा। शायद द रीज़न अब तक वो साल लकी साल नहीं रहा इज बिकॉज मे बी आई डिड नॉट हैव कॉन्फिडेंस, 100% कॉन्फिडेंस इन मी, लेकिन टुडे व्हेन आई एम स्टैंडिंग हियर आपके सामने, आई फील लाइक द पीपल हु सराउंडेड बाई मी, दे गिव मी सो मच स्ट्रेंथ, राइट फ्रॉम माई ग्रैंड मदर टू माई मदर टू माई सिस्टर टू ऑल द वुमेन हु आर अराउंड मी, सो आई एम हैप्पी कि you know when the people, the right people are surrounded by you, aapko energy milte and you feel that something good is going to happen and that's when good happens. Ji clap. Kya status hai, matlab kis tarike ke kirdaar mein is baar aap nazar aaye?
बहुत ही अलग अंदाज में, यू कैन सी दैट, झलक है, एक झलक है. जी जी, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू जी. मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू से थैंक यू, क्योंकि मैं जो भी हूँ इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज. एंड आई जस्ट मेक श्योर कि जो भी मैं करूँ, जो भी कदम मैं उठाऊँ, इट जस्ट डजन अपसेट यू. आई जस्ट मेक यू हैप्पी एंड एंटरटेन. दिवाली आने वाली है, सो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि जितना फायर क्रैकर्स कम हो सके. वैसे भी हमारे शहर में, मुंबई में, अभी बहुत कम पेड़ बचे हैं आफ्टर वॉट एवर हैपन्ड, द आर ए थिंग हैपन्ड. सो इंस्टेड ऑफ बर्निंग फायर क्रैकर्स, जस्ट प्लांट अ ट्री, इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस. एंड फैशन के बारे में बताया जाए तो देर इज़ नो नीड टू, यू नो, ट्रेडिशनली ड्रेस अप. You can just pair like lovely high waist pants and a corset with a dupatta and lovely jhumkas. Go boho way this Diwali. Thank you very much. Thank you. Photo, visuals. Egypt. I'm planning Egypt. Yeah.